हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी सम मोर क्वेश्चंस ऑन माय एसक्यूएल. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द टेबल. व्हाट टेबल इज गिवन हियर? द टेबल इज गारमेंट. सी द कॉलम्स, जी कोड, जी नेम, साइज, कलर एंड प्राइस. दीज आर द कॉलम्स. टोटल हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? टोटल 5 कॉलम्स आर देयर. सी हाउ मेनी रोज आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 रोज, दैट मीन्स 6 रिकॉर्ड्स आर देयर इन द टेबल गारमेंट. सपोज क्वेश्चन में आपको ये गारमेंट टेबल दिया हुआ है, तो आपको गारमेंट टेबल को बेस करके यू विल हैव टू फाइंड द आउटपुट. कुछ एसक्यूएल क्वेरीज दिया होगा आपको, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से व्हाट आउटपुट यू विल गेट वो आपको बताना है. सेकेंड पैटर्न क्या है क्वेश्चन का? यू विल आस्क टू राइट द एसक्यूएल कमांड. आपको एसक्यूएल कमांड लिखना होगा. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द आउटपुट क्वेश्चंस. सी सपोज दीज आर द 4 आउटपुट क्वेश्चंस. दैट मींस दीज आर द 4 एसक्यूएल क्वेरीज बेस्ड ऑन द टेबल गारमेंट. अब आपको देखना है कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से आपको क्या आउटपुट मिलेगा. दैट यू हैव टू राइट. फर्स्ट क्वेरी इज दैट सेलेक्ट एवीजी ऑफ प्राइस फ्रॉम गारमेंट वेयर जी नेम लाइक 10% एंड जी कोड लेस देन इक्वल्स टू 115. स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्वेरी को दोबारा देखना अच्छी तरह से. यहाँ पर क्या पूछा गया है? वॉट कॉलम्स यू वॉन्ट टू शो? यहाँ पे क्या पूछा गया है? एवरेज ऑफ प्राइस. दैट मीन्स हियर वी आर अप्लाइंग अ ग्रुप फंक्शन एवीजी. ग्रुप फंक्शन हमने पहले पढ़ा था, तो यहाँ पर हमें एवरेज फंक्शन अप्लाई करना है. वॉट एवीजी फंक्शन विल डू? एवीजी फंक्शन क्या करता है? इट विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ विच कॉलम? प्राइस कॉलम. लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इट वॉन्ट डायरेक्टली कैलकुलेट द एवरेज. ये कंडीशन इज गिवन, तो पहले आपको रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना होगा बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन. कंडीशन क्या है? जी नेम लाइक 10% एंड जी कोड लेस देन इक्वल्स टू 115. हियर टू कंडीशंस आर गिवन. यहाँ पर क्या यूज किया है? एंड. आपको पता होना चाहिए एंड और में क्या डिफरेंस है. अगर आप एंड यूज करते हैं, दैट मीन्स बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. यानी दोनों कंडीशन ट्रू होना है, दोनों कंडीशन मैच होना है. इफ यू आर यूजिंग और, अगर आप और यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एंड. और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक. तो अगर यहाँ पर और लिखा होता, दैट मीन्स या तो जी नेम 10% होना या फिर जी कोड लेस देन 115 होना. दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होता है, देन दैट रिकॉर्ड विल बी शोन. बट हियर सिंस एंड इज यूज्ड, एंड यूज किया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बोथ द कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड. तो अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन आपको कौन कौन से रिकॉर्ड्स आउटपुट में मिलेगा. व्हाट विल बी द आउटपुट? यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ प्राइस. इसी तरह आपको आंसर शीट में भी लिखना होगा एवीजी ऑफ प्राइस फ्रॉम टेबल गारमेंट. कंडीशन देखिए, जी नेम लाइक, लाइक क्लॉज हमने पढ़ा था. इसमें क्या पैटर्न मैच करना है? 10%. दैट मीन्स गारमेंट नेम मस्ट बिगिन विद द अल्फाबेट टी. टी से स्टार्ट होना है. तो फर्स्ट वील चेक हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. फर्स्ट रिकॉर्ड टी शर्ट. टी शर्ट में टी से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कंडीशन इज मैच्ड. तो ये रिकॉर्ड को लेगा. लेकिन साथ ही साथ आपको और एक कंडीशन दिया हुआ है. केवल एक कंडीशन मैच होने से आप वो रिकॉर्ड को नहीं लेंगे. सेकेंड कंडीशन इज दैट जी कोड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 115. तो यहाँ पर जी कोड भी चेक होगा. इट इज लेस देन 115. यस, दैट मीन्स बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. यानी ये पहला रिकॉर्ड लेगा. व्हाट इज द प्राइस? साइड में हम लिख लेते हैं, प्राइस इज 1400. नेक्स्ट इट विल चेक द सेकेंड रिकॉर्ड. जीन्स मैच नहीं हो रहा, पहले कंडीशन मैच नहीं होता है, सो इट वॉन्ट गो एंड चेक द सेकेंड कंडीशन. क्योंकि एंड है, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो आपको सेकेंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. थर्ड वन स्कर्ट, ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट आपका कौन सा रिकॉर्ड है? ये भी आपका लेडीज जैकेट भी नहीं होगा. उसके बाद आता है ट्राउजर्स. ट्राउजर्स में भी देखिए टी से स्टार्ट होता है, एंड इट विल चेक द जी कोड. सेकेंड कंडीशन जी कोड लेस देन इक्वल्स टू 115. यहां पर ध्यान दीजिए, अगर केवल लेस देन 115 होता तो ये रिकॉर्ड को भी आप काउंट में नहीं लेते. यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 115, यानी जिस गारमेंट का जी कोड 115 है, इक्वल टू 115 है, वो रिकॉर्ड को भी लेगा. दैट मीन्स ट्राउजर्स विल बी टेकन एंड द प्राइस इज 1500. ये आपको साइड में रफ पार्ट में आप कर सकते हैं. यू कैन टोटल इट, यू विल गेट 2900.
यहाँ पर आपको सम शो नहीं करना है, यू हैव टू शो द एवीजी, दैट मीन्स एवरेज. एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज. यहाँ पर टोटल टू वैल्यूज आर देयर, सो 2900 विल बी डिवाइडेड बाई टू. वॉट आउटपुट यू विल गेट? द आंसर विल बी 1450, दैट इज 1450. दिस विल बी द आउटपुट. ये आपको आंसर में मिलेगा और यही आपको लिखना है बेस्ड ऑन द कंडीशन. इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए डेटा टाइप क्या है प्राइस कॉलम का. इट इज फ्लोट, डेसिमल पार्ट में है, इसीलिए जब आप आंसर लिखते हैं एवीजी में आपको डेसिमल में ही लिखना होगा 0.00. यहाँ पर आफ्टर पॉइंट कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसीलिए 0.00 लिखे हैं. अगर डिजिट होता तो आप वही लिखते यहाँ पर. सो द आंसर विल बी 1450. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट एसक्यूएल कमांड. नेक्स्ट सेकेंड वन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट साइज फ्रॉम गारमेंट. यहां पर आपको क्या शो करना है? यू हैव टू शो द साइज. क्या कॉलम शो करेंगे? साइज कॉलम शो करेंगे. लेकिन साइज कॉलम शो करने से पहले यहां पर एक क्लॉज यूज किया हुआ है, दैट इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मैंने पहले बताया था. व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट क्लॉज? इट विल रिमूव द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द आउटपुट, नॉट फ्रॉम द टेबल. ये आपको ध्यान रखना है. जब डिस्टिंक्ट क्लॉज आप देखेंगे एसक्यूएल कमांड में, इसका ये मतलब नहीं कि टेबल में जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगा जस्ट फॉर द आउटपुट. जब आउटपुट में आप डिस्प्ले करते हैं वहां पर वो डुप्लीकेट वैल्यूज को इरेज कर देगा. सो व्हाट आउटपुट यू विल गेट? व्हाट आर द साइज गिवन? फर्स्ट इज एक्सेल, इट विल शो एक्सेल. सेकंड रिकॉर्ड इज एल, दैट इज लार्ज साइज. थर्ड वन इज एम, मीडियम साइज. एंड सी द फोर्थ वन, इट इज अगेन एक्सेल. एक्सेल यहां पर ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? इट विल रिमूव द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द आउटपुट. यहां जब आप आउटपुट दे रहे हैं यहाँ पर वो डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा. दैट मीन्स एक्सेल विल बी शोन ओनली वंस. देन अगेन लार्ज, लार्ज लार्ज टू रिकॉर्ड्स में लार्ज है. लार्ज यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो इसीलिए लार्ज को हम नेक्स्ट टाइम में नहीं लिखेंगे. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? इट विल बी एक्सेल एल एम एम. यहाँ पर ध्यान देना है, डिस्टिंक्ट अगर नहीं होता, अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्लॉज हम नहीं लिखे होते, देन आपको क्या आउटपुट मिलता? देन ये कंप्लीट जो रिकॉर्ड है, सिक्स रिकॉर्ड्स, एक्सेल एल एम, एक्सेल एल एल, ये सारे रिकॉर्ड्स को शो करता. तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, जब भी आप डिस्टिंक्ट क्लॉज देखेंगे यू हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज. आपको केवल यूनिक वैल्यूज को ही आउटपुट में शो करना है. नेक्स्ट थर्ड वन, सेलेक्ट जी नेम कॉमा साइज कॉमा प्राइस फ्रॉम गारमेंट वेयर प्राइस बिटवीन 1500 एंड 2000. यहाँ पर क्या पूछा गया है? What are the columns you want to show? G name, garment name बताना है, size show करना है, then price. तो सबसे पहले आप जब भी आप output question solve करते हैं, select part में जो जो column दिया होता है, पहले आप वो column को लिख लीजिए, उसके बाद check करिए कि क्या condition दिया गया है. First column is G name, that means first it will show G name. Second column क्या है? Size. Third column is price. देन कंडीशन क्या है? देखिए वेयर प्राइस बिटवीन 1500 एंड 2000. यहां पर देखिए कौन सा क्लॉज यूज किया गया है? बिटवीन क्लॉज. बिटवीन हमने पढ़ा था, बिटवीन का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ वैल्यूज को सेलेक्ट करने के लिए. दैट मीन्स इट विल चेक द प्राइस विच कम्स बिटवीन 1500 एंड 2000. केवल ये रेंज में जो वैल्यूज आता है, जो रिकॉर्ड आता है, उसी रिकॉर्ड का क्या शो होगा? जी नेम, साइज एंड प्राइस. सो लेट मी चेक. What are the sizes given? First is price is 1400. ये range में आते हैं, आप देख लीजिए, आप साइड में लिख के रख सकते हैं 1500 होना है और 2000. पहला price क्या है? 1400 है. ये इस range में नहीं आता है तो पहला record show नहीं होगा. Second one 1600. 1600 देखिए ये range में आता है, between में है, तो यहाँ पर पहला record क्या show होगा? G name is jeans. The size is L and the price is 1600. Hope you understood. Now the third one 1100. 1100 range में नहीं आता है,
देन फोर्थ वन 4000, 4000 भी आपका रेंज में नहीं आता है, 2000 से ज्यादा है तो ये रिकॉर्ड भी शो नहीं होगा. नेक्स्ट वन देखिए ट्राउजर्स का 1500, बिटवीन में आपको पता है जो दो वैल्यू आप लिखते हैं वैल्यू वन एंड वैल्यू टू बोथ आर इंक्लूडेड. दैट मीन्स अगर कोई रिकॉर्ड एग्जैक्टली वैल्यू वन का बराबर है या फिर वैल्यू टू का बराबर है देन दैट रिकॉर्ड विल बी कंसिडर्ड. तो यहाँ पर जो फोर्थ लास्ट फिफ्थ रिकॉर्ड है 1500 है, यहाँ पे 1500 है, दैट मीन्स वैल्यू वन इट इज इक्वल टू वैल्यू वन, तो ये रिकॉर्ड भी शो होगा. 1500 का जी नेम क्या है? ट्राउजर्स. वॉट इज द साइज? एल, एंड द प्राइस इज 1500. नाउ द लास्ट वन द प्राइस इज 1200, इट इज नॉट कमिंग इन द रेंज 1500 एंड 2000. सो वॉट आउटपुट यू विल गेट? ओनली टू रिकॉर्ड्स आउट ऑफ सिक्स रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द कंडीशन. जो बिटवीन क्लॉज यूज करके जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो आपको स्क्रीन में केवल टू रिकॉर्ड्स ही शो होगा. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट फोर्थ वन. Here in the fourth query, we are going to use a clause that is group by. Group by क्या करता है? What is the use of group by clause? Group by it's used to group the records based on some identical values. Group by normally उसी column पे हम apply करते हैं जिसमें identical values होता है. तो यहाँ पर देखिए select आपको क्या show करना है? Size. तो पहले हम column लिख लेंगे. What are the columns you want to show? First is size. Second count. यहाँ पर एक group function use हुआ है. Count. Third is sum of price. Again a group function. Sum of price. From the table garment. Group by size. यहाँ पर grouping कर रहे हैं according to the column size. Size में देख लीजिए how many values are there? Total 6 values. यहाँ पर देखिए identical values है. Excel 2 times है. लार्ज 3 टाइम्स है, मीडियम 1 टाइम है. दैट मीन इस तरह के कॉलम पे हम ग्रुप बाय नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? बेस्ड ऑन द साइज, साइज के अकॉर्डिंगली आपको क्या बताना है? काउंट करके बताना है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर एंड सम ऑफ प्राइस. आपको उन्हीं रिकॉर्ड्स का सम भी निकालना है बेस्ड ऑन द कॉलम प्राइस. तो सबसे पहले हम साइज लिख लेते हैं. फर्स्ट इज एक्सेल, नेक्स्ट इज एल, उसके बाद आएगा एम, उसके बाद अगेन एक्सेल और एल रिपीट हो रहा है तो वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ग्रुप हो रहा है. फर्स्ट एक्सेल साइज हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. काउंट फंक्शन क्या करता है? इट विल काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. तो एक्सेल कितने रिकॉर्ड्स है? 1 2, टोटल 2 रिकॉर्ड्स आर देयर, सो 2 विल बी रिटन. नेक्स्ट सम ऑफ प्राइस, ये जो साइज है एक्सेल इसमें जो प्राइस दिया होगा उसका आपको क्या निकालना है? सम निकालना है. दैट मीन्स यू हैव टू ऐड द प्राइस. व्हाट इज द प्राइस? 1400 एंड 4000. तो आपको आंसर क्या मिलेगा? यू विल गेट 5400. यहाँ पर डेसिमल में दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर भी डेसिमल में लिखना होगा. नेक्स्ट लार्ज साइज हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. इट विल काउंट टोटल 3 रिकॉर्ड्स आर देयर. It will be shown as 3. Next, see the price 1600, then 1500 and 1200. ये आपको plus करना है. What output you will get? It will be 4300. तो आपको answer लिखना है 4300. ये हुआ लास्ट साइज. लास्ट वन मीडियम. मीडियम में आप देखिए ओनली 1 रिकॉर्ड इज देयर. तो काउंट में आपका क्या आ गया? 1. और सम ऑफ प्राइस में सिंगल रिकॉर्ड है तो जो प्राइस लास्ट मीडियम साइज में दिया हुआ है वही साइज हम लिखेंगे. दैट इज 1100. दिस इज द आउटपुट फॉर द फोर्थ क्वेरी. यहाँ पर देखिए ग्रुप बाई में आपको स्पेशली ध्यान देना है. ग्रुप बाई नॉर्मली हम उसी कॉलम पे अप्लाई करते हैं जिसमें आइडेंटिकल वैल्यूज होता है. तो आइडेंटिकल वैल्यूज एक्सेल है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. इट विल काउंट देन सम ऑफ प्राइस. उसी तरह बाकी रिकॉर्ड्स में भी ग्रुपिंग होता है एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रुपिंग काउंट एंड सम फंक्शंस आर अप्लाइड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आउटपुट क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सी एसक्यूएल कमांड्स. अब तक हमने जो देखा था उसमें आपको एसक्यूएल कमांड दिया होता था, आपको आउटपुट फाइंड आउट करना होता था. अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया होगा, यू हैव टू राइट द एसक्यूएल क्वेरी. आप कैसे कमांड लिखेंगे?
first to display names of those garments that are available in XL size. यहाँ पर आपको ध्यान देना है कैसे आप कमांड को लिखना शुरू करेंगे. सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेलेक्ट पार्ट में क्या ऑल रिकॉर्ड्स को पूछा गया है या फिर स्पेसिफिक कॉलम को पूछा गया है. तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए. टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स, दैट मीन्स आपको केवल नेम शो करना है, दैट मीन्स ऑल रिकॉर्ड शो नहीं होगा. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेलेक्ट. सेलेक्ट के बाद एस्ट्रिक हम नॉर्मली कब लिखते हैं, जब हमें सारे रिकॉर्ड्स को शो करना होता है. तो यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड्स नहीं पूछा गया है, केवल आपको नेम पूछा गया है. तो आप क्या लिखेंगे, नेम का कॉलम नेम क्या है, जी नेम. क्वेश्चन पेपर में जैसा टेबल नेम और कॉलम नेम जैसा दिया होगा आपको एज इट इज लिखना है, सेलेक्ट जी नेम. इसके अलावा देखिए और कोई कॉलम पूछा गया है नहीं, तो केवल आप सेलेक्ट जी नेम लिखेंगे. फ्रॉम टेबल नेम इज गारमेंट. उसके बाद देखिए कुछ कंडीशन दिया है कि नहीं. सी एसक्यूएल जब भी आप क्वेरी लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट इज सेलेक्ट पार्ट, सेकंड होता है कंडीशन पार्ट. सेलेक्ट पार्ट पे आपको ये ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर टेबल से कौन कौन सा कॉलम को आपको शो करना है, तो वो कॉलम का नाम आप लिखेंगे. सेकंड थिंग आपको देखना होगा कि क्या कुछ कंडीशन दिया है कि नहीं. तो क्वेश्चन पढ़कर आपको समझना है कि इस पे कौन से कंडीशन अप्लाई होगा, कौन से क्लॉज या कौन से ऑपरेटर को हम यूज करेंगे. तो कंडीशन क्या है, those garments that are available in XL size. यहाँ पर यानी condition किस column पे apply हो रहा है, size column पे. और condition क्या है, उसी garment का name show होगा जिसका size क्या है, XL है. तो यहाँ पर हम condition लिखेंगे. condition form करने के लिए you have to use where clause, where size equals to XL. Once again see, select G name from garment. To display names of those garments, आप नाम डिस्प्ले कर रहे हैं that are available in XL size. XL size में available होना है. तो where उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसपे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, साइज कॉलम पे equals to XL. ये अल्फाबेट्स है, कैरेक्टर टाइप है, इसीलिए आपको सिंगल डबल कोट्स में या सिंगल कोट में लिखना होता है. अगर ये इंटीजर होता तो आप विदाउट गिविंग सिंगल कोट आल्सो यू कैन राइट. तो ये आपका एसक्यूएल क्वेरी सेमी कॉलन, आपको एंड करना है सेमी कॉलन से. इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट जी नेम फ्रॉम गारमेंट वेयर साइज इक्वल्स टू एक्सेल. नेक्स्ट सेकेंड वन, टू डिस्प्ले कोट्स एंड नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स दैट हैव देयर नेम्स स्टार्टिंग विद लेडीज. यहाँ पर आपको क्या देखना है, डिस्प्ले क्या करना है. सबसे पहले डिस्प्ले पार्ट देखेंगे. सेलेक्ट पार्ट में आपको क्या शो करना है, कोट दिखाना है, कोट कॉलम, देन नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स. तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सेलेक्ट, कोट कॉलम है जी कोट कॉमा, नेक्स्ट इज नेम, नेम है जी नेम. ऑफ दोज गारमेंट्स ये आपका सेलेक्ट पार्ट हो गया है, और कोई कॉलम शो नहीं करना है, तो आप क्लोज कर देंगे. फ्रॉम टेबल नेम इज गारमेंट. कंडीशन देखिए, दैट हैव देयर नेम्स स्टार्टिंग विथ लेडीज. यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर क्या पूछा है, उसी रिकॉर्ड का जी कोड और जी नेम शो होगा जिसमें नेम का स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, लेडीज होना चाहिए. यानी कि यहाँ पे इस तरह की वैल्यू को मैच करना है. तो पैटर्न मैचिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, लाइक क्लॉज. तो यहाँ पर अप्लाई होगा वेयर लाइक क्लॉज, किस कॉलम पे अप्लाई करना है, नेम कॉलम पे. कॉलम नेम इज जी नेम, लाइक यहाँ पर क्या दिया हुआ, लेडीज. क्या केवल लेडीज लिखने से करेक्ट होगा, नो. क्या दिया, स्टार्टिंग विद लेडीज, लेडीज से स्टार्ट होना है. लेडीज के बाद कोई भी वर्ड आ सकता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर परसेंट सिंबल देना जरूरी है. क्योंकि अगर आप परसेंट सिंबल नहीं लिखेंगे, जस्ट आप लिखेंगे नेम स्टार्टिंग विद लेडीज, तो ये क्या होगा, ये क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा. इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो एक भी रिकॉर्ड शो नहीं होगा, क्योंकि लेडीज जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर देखिए लेडीज के बाद एक वर्ड है जैकेट, लेडीज के बाद एक वर्ड है टॉप. तो अगर आप लेडीज के बाद पर्सन सिंबल नहीं लिखेंगे, दैट मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, जिसका जी नेम एग्जैक्टली क्या है, इक्वल टू लेडीज है, तो वैसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. तो यहाँ पर पैटर्न मैच कर रहे हैं. पैटर्न क्या पूछा गया, नेम्स किससे स्टार्ट होना है, लेडीज से स्टार्ट होना है. यानी लेडीज वर्ड के बाद कोई भी और एक वर्ड आ सकता है, या दो या तीन वर्ड आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे. तो यहाँ पर आपको परसेंट लगाना होगा.
लेडीज के बाद परसेंट, परसेंट से पहले का जो भी हम अल्फाबेट या कैरेक्टर लिखते हैं यानी उससे वो क्वेरी स्टार्ट होगा, उसके बाद परसेंट सिंबल। तो इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो कौन कौन सा रिकॉर्ड शो होगा, लेडीज जैकेट एंड लेडीज टॉप। तो ये आपको ध्यान देना है, लाइक क्लॉज में परसेंट सिंबल और अंडरस्कोर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट थर्ड वन, टू चेंज द कलर ऑफ गारमेंट विथ कोड एज 116 टू ऑरेंज। यहां पर देखिए सेलेक्ट कमांड नहीं पूछा गया है, यहां पर क्या है, टू चेंज द कलर ऑफ गारमेंट, आपको कलर को चेंज करना है, दैट मींस आपको सेलेक्ट करने नहीं पूछा है, यू वांट टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड। तो मॉडिफाई करने के लिए हमने पढ़ा था अपडेट कमांड। अपडेट नॉर्मली हम क्यों यूज करते हैं, टेबल में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें अगर कुछ अपडेशन चाहते हैं, मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो हम अपडेट कमांड को यूज करते हैं। तो अपडेट लिखेंगे, अपडेट के बाद आपको लिखना है टेबल का नाम जिसपे आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो लिख दिया अपडेट गारमेंट। अब आपको देखना है क्या अपडेशन चाहिए विथ कोड एस 116 टू ऑरेंज। क्वेश्चन आपको पढ़ के समझना होगा, यहाँ पर क्या चेंज करना है, आपको कलर को चेंज करना है, कलर कॉलम में क्या वैल्यू देना है, ऑरेंज। कंडीशन क्या है, जिस रिकॉर्ड का कोड 116 है, यानी सारे रिकॉर्ड का कलर चेंज नहीं होगा, केवल उन्हीं रिकॉर्ड का कलर चेंज होना है जिसका कोड 116 है। तो यानी एक केवल एक ही रिकॉर्ड चेंज होना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अपडेट गारमेंट सेट, न्यू वैल्यू क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज किस कॉलम पे है, कलर इक्वल्स टू ऑरेंज, अगेन आई एम गिविंग ऑरेंज इन डबल कोट्स, सिंगल कोट, कंडीशन इज दैट वेयर, कंडीशन क्या है, कोड जी कोड इक्वल्स टू 116। यहां पर देखिए अपडेट टेबल नेम सेट कलर इक्वल्स टू ऑरेंज, यहाँ पर पहले आपको क्या वैल्यू देना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है वो पहले आप देंगे, उसके बाद कंडीशन किस कॉलम पे वो अप्लाई होगा, बेस्ड ऑन विच कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, जिस रिकॉर्ड का जी कोड 116 है उसी रिकॉर्ड का कलर क्या होगा, चेंज हो गए, क्या हो जाएगा, ऑरेंज। तो 116 दैट मीन्स ये पिंक जो रिकॉर्ड है इट विल बी चेंज टू ऑरेंज, अगर ये क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से टेबल में आपको एसक्यूएल क्वेरी फॉर्म करने के लिए दिया होगा, स्टेटमेंट्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और आपको समझना है कि इसके अकॉर्डिंगली कैसे हम एसक्यूएल क्वेरी फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए आपको, अगेन आई एम टेलिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द सिंटेक्स, आपको सिंटेक्स अच्छी तरीके से याद करना होगा, इफ यू रिमेंबर द सिंटेक्स यू कैन ईजिली राइट द एसक्यूएल क्वेरी। Students, after seeing the output and SQL commands, now we are going to see one more pattern. एक और pattern से जिस तरह question पूछा जाता है CBSE में, that will be 1 or 2 marks. See on the screen. The question is, Sarthak, a student of class 12th, created a table class. Grade is one of the columns of this table. To find the details of students whose grades have not been entered, he wrote the following MySQL query, which did not give the desired result. The query is select asterisk from class where grade equals to null. Help Sarthak to run the query by removing the errors from the query and write the correct query. Students, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? One table is there. The name of the table is class, जिसमें एक कॉलम है grade. ग्रेड में देखिए, टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज ग्रेड्स हैव नॉट बीन एंटर्ड, यानी कि ग्रेड कॉलम में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसा है जहां पर ब्लैंक है, नल है। तो उसके लिए सार्थक ने क्या क्वेरी लिखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लास वेयर ग्रेड इक्वल्स टू नल। ये क्वेरी अगर वो लिखता है, तो क्या होता है, क्वेरी सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज द एरर, आपको एरर फाइंड आउट करना है कि ये क्वेरी में क्या मिस्टेक है। हेल्प सार्थक टू रन द क्वेरी बाय रिमूविंग द एरर्स फ्रॉम द क्वेरी एंड राइट द करेक्ट क्वेरी। आपको ये क्वेरी में क्या एरर है वो फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट क्वेरी, आपको करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। See here, this is the query, select asterisk from class where grade equals to null. ये query लिखने से
क्वेरी रन नहीं हो रहा है, एरर शो होता है. सो व्हाट इज द एरर? यहाँ पर ध्यान देना, ग्रेड इक्वल्स टू नल, यानी हम उस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं जिस पे नल वैल्यू है. आप उसी रिकॉर्ड को शो करवाना चाहते हैं जहां पर ग्रेड एम्प्टी है, ग्रेड में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं किया गया है. तो आपको पता है नल या एम्प्टी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, कंडीशन में देने के लिए, आप डायरेक्टली ग्रेड इक्वल्स टू नल नहीं लिख सकते हैं. उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमने क्लॉज पढ़ा था इज नल क्लॉज. तो ये क्वेरी आपका यहां तक सेम होगा, कंडीशन पार्ट चेंज कर रहे हैं. वेयर ग्रेड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ग्रेड इक्वल्स टू नल, आपको लिखना है ग्रेड इज नल. आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, वेयर ग्रेड इज नल. ये करेक्ट क्वेरी है. यहाँ पर मिस्टेक क्या था, ये वाला पार्ट, इक्वल टू आप नहीं दे सकते हैं नल के लिए, आपको उसके लिए सेपरेटली क्लॉज दिया गया है इज नल क्लॉज. इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको ग्रेड कॉलम में जहां पर भी वैल्यू एम्प्टी है वो रिकॉर्ड शो होगा. सो दिस इज द करेक्ट क्वेरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दिस मे बी आस्क्ड फॉर 1 or 2 marks. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शंकर क्रिएटेड अ टेबल व्हीकल विथ 3 rows and 4 columns. ही एडेड 1 more row टू इट एंड डिलीटेड 1 column. वॉट इज द कार्डिनालिटी एंड डिग्री ऑफ द टेबल व्हीकल? सी हियर, द टेबल नेम इज व्हीकल. इनिशियली क्या दिया है, 3 rows है और कॉलम्स कितना है, 4 columns. 3 rows and 4 columns. उसके बाद क्या है, 1 row is added. 3 plus 1, एक row add हो गया है. So the new row is 4. और 1 column delete हुआ है. So -1, that is 3. तो ये अभी आपका new 4 rows है and 3 columns. ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसको आप साइड में करके देख सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनालिटी ऑफ द टेबल व्हीकल. अब डिग्री और कार्डिनालिटी क्या होगा? प्रीवियसली क्या था, 3 rows and 4 columns, बट नाउ इट इज चेंज एज 4 rows and 3 columns. आपको पता है डिग्री इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द टेबल. प्रीवियसली 4 था लेकिन यहाँ पर -1 हुआ है, 1 column इज डिलीटेड. सो द न्यू कॉलम इज 3, सो डिग्री विल बी 3. और कार्डिनालिटी आपको लिखना है, कार्डिनालिटी इज द नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 plus 1 हो गया है. सो द आंसर इज 4. तो आपको लिखना है 4. तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, प्रीवियसली जो रोज और कॉलम्स दिया गया है उसके बाद अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, एडिशन या डिलीशन होता है, तो पहले आपको वो वर्कआउट करना है, उसके बाद ही आप डिग्री और कार्डिनालिटी फाइंड आउट करेंगे. डिग्री इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कार्डिनालिटी इज द टोटल नंबर ऑफ रोज. सो अकॉर्डिंगली डिग्री इज 3 एंड कार्डिनालिटी इज 4. आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग SQL चैप्टर. आप SQL में सिंटैक्स याद करना शुरू कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करिए. विल सी सम मोर टॉपिक्स इन द कमिंग सेशंस. थैंक यू.